What's up everyone, welcome back. We are finally here with another video. और इस बार हम लोग कुछ नया करने वाले हैं. देखो पिछली वीडियोस में है ना, मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ हर बार एक अलग वीडियो के अंदर. तो इस बार हम करेंगे थोड़ा कुछ अलग. इस बार हम करेंगे मीम रिएक्शन. हाँ, इस बार हम करेंगे मीम रिएक्शन. और इस मीम रिएक्शन के अंदर होंगे काफी सारे अलग अलग मीम्स. इनमें से होंगे कुछ एनिमे रिलेटेड मीम्स और कुछ ऐसी कल्चर्ड वाले मीम्स होंगे. तो उनको देख के हम लोग आज करेंगे ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज. और मुझे हंसना नहीं है और देखते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना. और मैं तुम लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि यार इस मंथ की लास्ट में मेरा बर्थडे आने वाला है, तो क्या हम लोग उससे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकते हैं? अगर कर पाए तो यार काफी ज्यादा अच्छी बात होगी. तो प्लीज यार उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो चलो बढ़ते हैं अपने मीम रिएक्शन की तरफ. ओके, सो हियर वी आर. पहली मीम, ट्राई नॉट टू लाफ, करते हैं शुरू. इंडोनेशिया में अगर आपको थैंक यू कहना होगा ना, तो आपको जो है ना गालियां निकालनी पड़ेगी. जैसे कि थैंक यू अगर आपको कहना है तो आपको कहना पड़ेगा तेरी माँ कसी. ओके, सच में तेरी माँ कसी. थैंक यू. सच में? एक सेकंड, मुझे चेक कर रहे, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा. तेरी माँ कसी, इंडोनेशियन, थैंक यू. अरे यार सच्ची में, हाँ तेरी माँ कसी है ये. तेरी माँ कसी नहीं है, तेरी माँ कसी है ये. इन इंडोनेशियन लैंग्वेज थैंक यू इज तेरी माँ कसी. नाइस यार, कुछ नया सीखने को मिला. कमेंट पे कर दो तेरी माँ कसी, मतलब तेरी माँ कसी. आज से थैंक यू का मतलब आज से सब इंटरनेट के ऊपर यही रखेंगे. नेक्स्ट मीम, इतना बता दूं तुझको, नीड दिस टाइप ऑफ लव. क्या कर रहा है वो लड़की, के बाल धो रहा है. अरे यार देखो, मुझे ना इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या चीज दिखा रही है और ये फिर क्या लिखा हुआ, नीड दिस टाइप ऑफ लव. लेकिन दिस टाइप ऑफ मसाज यार, वी ऑल नीड. मतलब जिन लड़कों के भी लंबे बाल है ना, उनसे पूछो यार. मुझे अब याद आ रहा है कि मतलब कोई यार एक बार उस हेड स्क्रैचर से कोई मसाज कर दे रहा, ओए होए होए, बालों के अंदर वो ही है आनंद की चरम प्राप्ति. नेक्स्ट मीम, एक उसकी हंसी ही, मतलब वो हा, 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 वो वाली वो डोनाल्ड डक वाली हंसी करके दिखा रहा और उसकी क्या निकली. नेक्स्ट मीम, अदर गर्ल्स मेकिंग वीन इन पब्लिक प्लेसेस, मी वीन ट्राइंग टू फील समथिंग इन पब्लिक प्लेस. यार ट्रू ट्रू एकदम. सच में लड़कियों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, पहले मुझे ये बताओ. अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है ना, मुझे ये बताओ इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आती हो. हमसे साला एक सेल्फी तक नहीं ली जाती पब्लिक प्लेस के अंदर, पर लड़कियां भाई पब्लिक प्लेस हो, मॉल के अंदर हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रही होती है. कोई फोटो क्लिक कर रही होती है, कोई रील बना रही होती है, कोई भाई म्यूजिक वीडियो बना रही होती है. मतलब क्या क्या कर रही है लड़कियां. लड़कियों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है. फिर साले लड़के हम कहते हैं यार वी आर सिग्मा मेल. अरे घंटा सिग्मा मेल, हमसे साली एक फोटो तो नहीं क्लिक करी जाती. मेरे फोन के अंदर है ना आज तक जितनी फोटोज है वो सारी फ्रेंड्स के साथ है. 10 लोगों का झुंड होगा तब जाके एक फोटो हम लोग क्लिक कराते हैं, नहीं तो हमारी पिछवाड़े के अंदर इतना दम नहीं है कि हम साला एक अकेली फोटो क्लिक कर सके. इतना कॉन्फिडेंस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर. नेक्स्ट मीम, कितने साल हो गए कॉलेज पास किए हुए तुम्हें, फिर भी वहां बैठा रहता है, प्लेटफॉर्म पर टंगा रहता है बिना वजह. अरे कुछ काम वाम करना है या यूं ही आवारगी में उम्र गुजारनी है? बस भी करो नहीं, उसे आराम से नाश्ता तो करने दो. हाँ भाभी पूरी दो ना. हाँ हाँ, एक क्यों, 40-50 ले लो. ये फ्री का खाना खिला खिला के और सांड बना दो इसे, ताकि ये जब चाहे सबको सींग मारता रहे. तेरे नाम मूवी है ना ये? ले रहा लंडे के, ये तेरी ब्रेड, ये तेरा दूध, माँ का वफड़ा नहीं खाना. ले बेटा ये तू खा ले. कितने यार, एक तो ये आजकल की जो फैन डब हो गए है ना, ये फैन डब वाली चीजें बहुत ज्यादा फनी हो गई है. मीम्स के अंदर ये सब चीजें चलती है ना आजकल, एनिमे वालों के अंदर भी और मूवीज के अंदर भी. मतलब इन्होंने कहर बचा रखा है इंटरनेट के ऊपर. नाइस मीम, नाइस मीम. नेक्स्ट मीम, ये तो वो वाला गाना है मोशिनो को, जो अभी नया वाला एनिमे आया उसका ये जो आइडल वाला गाना है वो गाना है. भाई साहब किसी ने टिकटॉक के ऊपर ये मेटल करके डाला.
भाई साहब क्या म्यूजिक है, 10 में से 10 भाई, सीधा 10 में से 10, मुझे बहुत पसंद आया। नेक्स्ट मीम, डूड वाज टेरिफाइड। भाई अगर तुम्हारा ध्यान नहीं गया तो दोबारा देखो क्या किया उसने, वो हाथ मिला रहा उससे, उसने ऐसे हाथ मिलाने की जगह या ये कौन सा एनीमे है यार, चेक करना पड़ेगा, चेक करके देखूंगा कौन सा एनीमे, कॉमेडी एनीमे हो सकता है। नाइस। नेक्स्ट मीम, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे यार रोमांटिक वीडियोस, बायोलॉजी क्लास चैप्टर 8। अरे यार ये कौन बंदा है, ये कौन है भाई, ये भगवान का बंदा कौन है, मुझे अपना नाम बता दे बस एक बार। अगर तुम लोग जरा सा भी इंटरनेट चलाते हो तो जरा सा भी तो तुम्हें पता होगा ये ब्लू वाली साइड कौन सी है और इससे पहले वाली साइड कौन सी है और अभी ये बायोलॉजी चैप्टर 8 वाली साइड कौन सी है, अगर जरा सा भी इंटरनेट चलाते हो। अगर नहीं चलाते ना तो भाई तुम ये भगवान के बंदे हो, तुम सच्ची में भगवान के बंदे हो और तुम ऐसे ही रहना हमेशा। नेक्स्ट मीम, आई कैन फिक्स इट। अरे नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारा दिन जरा सा भी खराब चल रहा है ना और तुम जरा सा भी डिप्रेसिंग फील कर रहे हो ना तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा तुम ये चीजें जो इस वीडियो के अंदर दिखाई इनमें से कुछ भी करो। तो हाँ यार गाइस, आज की देखो इस वाली मीम वीडियो के लिए इतना ही। और देखो मैंने वीडियो के स्टार्ट में तो बोला था ये ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज होगा, लेकिन ट्राई नॉट टू लाफ से कब देखो मीम रिव्यू बन गया और इसके अंदर हम कुछ चीजें अच्छी भी देखी, कुछ चीजें बेकार भी देखी। लेकिन हाँ सही है यार, अब देखो धीरे धीरे है ना मैं और भी ज्यादा वीडियो के अंदर अलग अलग चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना तुम लोगों को ये सारी वीडियोस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं। तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक करना अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज यार मेरे बर्थडे से पहले अगर तुम लोग 1000 करा दोगे ना तो यार मेरे को बहुत खुशी होगी, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।